नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जो कि निकल कर आ रही है इंडिया की तरफ से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल ही एल सेवेडोर जो एक कंट्री है वहां पर बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। वहां पर एक लॉ जो है वो पास कर दिया गया है कि अब बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर यूज कर सकते हैं आप वहां पर, कि आप वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ खरीदनी हो, कोई गुड्स सर्विसेज खरीदनी हो, बेचनी हो, वहाँ पर आप ट्रांजैक्शन जो है वो बिटकॉइन की हेल्प से जो है वो कर सकेंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर अनाउंस कर दी गई हैं। आप सब लोगों के साथ बहुत ही जल्द मैं आप सब लोगों के साथ पिक्चर्स वगैरह सब कुछ चीज़ें शेयर करूँगा इसी वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर निकल कर आ रही है इंडिया की तरफ से न्यूज़ कि अब इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट हो सकती है कि यहाँ पर इंडिया अनाउंस कर सकता है बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को एज एन असेट क्लास। जहां तक कि पहले बातचीत चल रही थी कि बिटकॉइन को बैन कर सकते हैं, बिल आने वाला है बैन के बारे में या ऐसी कुछ चीजों के बारे में बातचीत चल रही थी, वहीं उसके एकदम अपोजिट अब यहां पर एक न्यूज निकल कर आ रही है कि यहां पर इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडिया की तरफ से बेसिकली ये जो है अनाउंसमेंट हो सकती है कि यहां पर असेट क्लास जो है वो बिटकॉइन के को जो है वो अनाउंस किया जा सकता है, फिर क्रिप्टो करेंसीज को अनाउंस किया जा सकता है और वहां पर कुछ थोड़े बहुत रेगुलेशंस वगैरह लेकर आए जा सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा आखिरी तक ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके इस वीडियो में यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी आज से दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को आज से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये है कंप्यूटर स्क्रीन, यहां पर आप देख सकते हैं पिक्चर्स, राइट। यहां पर कुछ पिक्चर्स हैं जो यहां पर हम देख सकते हैं क्लियरली। यहां पर कल जो है एक ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई थी, जैसे कि आप यहां पर पढ़ सकते हैं, यहां पर जो एल सेवेडोर जो एक कंट्री है वहां पर इन्होंने लीगल टेंडर जो है वो बिटकॉइन को जो है वो अनाउंस कर दिया था। यहां पर प्रॉपर लॉ बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहां पर ये पिक्चर्स हैं कुछ जो कि प्रॉपर लॉ जो बना उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। इसका जो ट्वीट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जो हमने ट्वीट किया था, और सारी डिटेल जो है वो इससे रिलेटेड हमको यहाँ पे शेयर कर देंगे। और ये वहाँ पे जो है 62 वोट्स, मतलब कि टोटल 84 सीट्स हैं वहाँ पर, उसमें से 62 जो वोट्स हैं यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पर बिटकॉइन को लीगल टेंडर अनाउंस करने के फेवर में मिले थे, राइट। अभी आप यहाँ पे पिक्चर्स भी देख सकते हैं वहाँ की कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो अनाउंस किया गया और किस तरीके से यहाँ पर लीगल टेंडर जो है वो अनाउंस कर दिया गया बिटकॉइन को इस कंट्री के अंदर। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल कर आई थी, ये कल की काफ़ी बड़ी हॉट न्यूज़ थी। और साथ ही साथ आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले यहाँ पर इंडिया में भी जो है इस तरीके की बातचीत चलना स्टार्ट हो गई थी कि यहाँ पर बिटकॉइन को एज एन एसेट क्लास जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्शन था वो ऑब्जेक्शन इस बात पे था कि यहाँ पर बिटकॉइन को या क्रिप्टो को करेंसी नहीं कह सकते, यहाँ पर असेट्स की तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एज अ कमोडिटी कह सकते हैं, एज एन एसेट कह सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत की जा सकती है। लेकिन जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, एक असेट है, राइट, एक प्रॉपर्टी होती है, वो एक असेट है, राइट, उसी तरीके से यहाँ पर जो है बिटकॉइन को भी एज अ असेट जो है वो काउंट किया जा सकता है। ऐसा कुछ कहना था आरबीआई का भी, और साथ ही साथ बाकी अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का, उनका भी, और भी कई जगहों से जो न्यूज़ निकल कर आ रही थी मिनिस्टर्स की तरफ से, अनुराग ठाकुर जी की तरफ से भी, तो कुछ इसी तरीके से ये न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि यहाँ पर असेट क्लास जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया जा सकता है बिटकॉइन को, या फिर असेट क्लास बनाने की बातचीत जो वो की जा सकती है। आज यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस जो कि यहाँ पर एक तरीके का न्यूज़ जो है यहाँ पर देते हैं, न्यूज़ पेपर भी है बेसिकली इसका, तो यहाँ पर ये जो है एक आर्टिकल आया है बिजनेस में, वो यहाँ पर आर्टिकल आया है आफ्टर एल सेवेडोर इंडिया में मूव टू क्लासिफाई बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास, राइट। ये काफ़ी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये एक तरीके से आर्टिकल यहाँ पर आया है, और यहाँ पर पूरी जो डिटेल है वो यहाँ पर दे रखी है। अगर आप इसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर्स की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, जो सारा का सारा जो यहाँ पर जो डायरेक्शनल जो मूव है वो इस तरीके से आने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर इंडिया में बिटकॉइन को एज एन एसेट क्लास जो वो डिक्लेयर किया जाए। साथ ही साथ अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले कॉइन टेलीग्राफ की तरफ से भी ये एक, मैं कहूँगा कि एक यहाँ पर
एक आर्टिकल आया है राइट, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन बैन का एजेंडा जो है उसको छोड़ के अब जो है यहाँ पर एज एन एसेट जो क्लास एसेट क्लास की तरफ जो है वो बढ़ने की कोशिश की जा रही है इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इसी चीज़ को चलते हुए यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर पहले जो इंडिया का सबसे बड़ा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वज़ीरएक्स, उसके टोकन में भी हम अच्छा खासा उछाल जो देख चुके हैं, जो कि WRX टोकन है, काफ़ी अच्छा उछाल उसके अंदर हमको देखने को मिला। थोड़ी देर पहले ही अभी वो 1.75 के आसपास जो वो ट्रेड कर रहा था, $1.75 के आसपास ट्रेड कर रहा था, देखते ही देखते दो तीन घंटे के अंदर अंदर वो $2 के ऊपर निकला राइट। काफ़ी अच्छा मूव था, काफ़ी अच्छा जो है इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली। जैसे कि अभी हम आप और हम सब लोग यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो बेसिकली जो चीज़ें चल रही हैं इंडिया में, या फिर हम बात करें कि आउटसाइड इंडिया एज वेल, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही हैं राइट। यहाँ पर हम लोग सीधे अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप सब लोगों को बता दूँ कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो निकल कर आ रही है, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो, चाहे वो इंटरनेशनली दूसरी कंट्रीज़ की तरफ से हो। तो जो न्यूज़ ये जो पॉजिटिव निकल कर आ रही है क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर, ये बेसिकली मैं कहूँगा कि इसमें सब कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक पहले से ही इस तरीके से सोचा गया होता है, प्लान किया गया होता है कि किस समय पर कौन कौन सी जगह से जो है पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए, उस तरीके की न्यूज़ वगैरह आ भी रही है। अब जैसे कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में काफ़ी अच्छा फ्यूचर जो है वो गवर्नमेंट्स भी, चाहे हम बात करें US गवर्नमेंट हो, चाहे वो बात करें हम किसी और गवर्नमेंट की भी, बाइडन भी जो है, जो बाइडन जो कि US के जो प्रेसिडेंट है वो भी G7 के मीटिंग में जो है वो बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, और काफ़ी अलग अलग जगहों से जो वो न्यूज़ वगैरह निकल कर आ रही है, पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो निकल कर आ रही है बिटकॉइन से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो अब जो है वो चार्ट भी पॉजिटिव हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आप सब लोगों से कहा था कि यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो करेंसीज को लेके, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज में ही बिटकॉइन जो है वो ट्रेड कर रहा था, जो कि 40,000 से लेकर 30,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। 30,000 के मार्क को अभी भी बिटकॉइन ने ब्रेक नहीं किया है, और न्यूज़ भी पॉजिटिव निकल कर आ रही है, चार्ट भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा होगा हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से बेसिकली यहाँ पर, कि अगर हम यहाँ पर कहें कि हाँ बिटकॉइन बहुत जल्दी जो है यहाँ पर 40,000 के जो रेजिस्टेंस को या 42,000 के रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक कर देगा, और आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा ऊंचाइयों तक भी जाएगा बिटकॉइन का प्राइस, तो ये कहना कोई यहाँ पर गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ पर जो है वो चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, RBI की तरफ से, जो कि एक काफ़ी अच्छा रेगुलेशन की तरफ मूव करते हुए, जहां तक हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में अगर इंडियन किसी एक्सचेंज के ऊपर अगर आपको डिपॉजिट करने होते थे पैसे, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आ रही थी, बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही RBI ने ये चीज़ एक सर्कुलर भी जारी किया था, जहां पर कि ये चीज़ कहा था कि क्लियरली कि अब जो इंडिया में यहां पर जो अगर डिपॉजिट करना है आपको क्रिप्टो करेंसीज अकाउंट पे, बेसिकली अगर आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं एक्सचेंज के ऊपर, अगर पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो कोई भी जो बैन जिस तरीके की बातचीत 2018 में की गई थी वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उसको जो है उस सर्कुलर को खारिज कर चुका था, जो बैन वाला सर्कुलर था उसको खारिज कर चुका था सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर अब क्लियरली इंडिया की तरफ से एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर चीज़ें निकल कर आ रही है, बैंकिंग सिस्टम भी सपोर्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज को, अब यहाँ पर गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, RBI सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो ओवरऑल जो यहाँ पर मिनिस्ट्री में जो इंडिया की जो मिनिस्ट्रीज में जो सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ हमको नज़र आ रहा है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच जो है वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को लेकर जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी बुलिश न्यूज़ है, एक हमको चार्ट के ऊपर भी हमको जो है काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, तो आने वाले वक्त के अंदर हमको बिटकॉइन के प्राइस में काफ़ी नई ऊँचाइयाँ जो है वो देखने को ज़रूर मिल सकती हैं। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट थी जो कि आप सब लोगों के साथ शेयर करनी थी। ये जो आर्टिकल मैंने आपको अभी दिखाया था यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर, ये वाला आर्टिकल, इसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, ये वाला आर्टिकल भी मैं आपको अपने इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट नहीं किए हैं और आप सोच रहे थे कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तो शायद ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है आप सब लोगों के लिए, जहाँ पर कि पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल कर आ रही है, ज़्यादा समय का शायद वेट भी ना करना पड़े प्राइसेस को ऊपर जाता हुआ देखने के लिए। तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, वर्ल्ड वाइड हमको
काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। हाँ ऑफ कोर्स छोटी मोटे जो फंड्स हैं वो दूसरे दूसरे कुछ कुछ कंट्रीज से आते रहते हैं, जिनका एक्चुअली में हमको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमको यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, चार्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि चार्ट्स पॉजिटिव हो रहे हैं, न्यूज़ पॉजिटिव आ रही है ऑल ओवर वर्ल्ड से, इंडिया की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आ रही है, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें थी जो कि आप सब लोगों के साथ शेयर करनी थी इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।